हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पटेल। स्वागत है आप सभी का हमारी दादा सोडा फाउंटेन के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि दादा सोडा फाउंटेन है वो हमारे कस्टमर के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। दादा सोडा फाउंटेन है वो सोडा मशीन है, सोडा बोतल फिलिंग मशीन है, पाउच फिलिंग मशीन है, वो सारी मशीन तो मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसको एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। वो नया चीज़ क्या है, वो कैसे चलता है, उसमें वारंटी क्या है, वो सब कुछ जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे हमारी जो मशीन नई आएगी उसका आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप अपने खुद की ब्रांड बना पाओगे और आपको बहुत ही क्वालिटी मशीन मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊँगा आपको इस वीडियो में हम क्या लेके आए आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हो आपने, ये है आरओ प्लांट मशीन, दादा सोडा का खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है और सारी चीज़ दादा सोडा फाउंटेन ने यहाँ खुद ही मैन्युफैक्चरिंग की है और उसमें हर चीज़ पे बहुत ही ध्यान रखा है। वो कैसे चलती है, उसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाएगी, कौन सी कंपनी का पंप हमने लगा है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, जो ये आपके सामने है वो 250 लीटर का आरओ प्लांट है, जो एक घंटे के अंदर 250 लीटर पानी को आरओ पानी बनाता है। तो फ्रेंड्स, देख रहे हो ये जो मशीन है पूरा स्टेनलेस स्टील की बॉडी में हम लोगों ने बनाया है। जैसे स्टेनलेस स्टील की बॉडी में बनाया जैसे कस्टमर को हमने देने के बाद उसको लाइफ टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा हमने कौन सा स्पेयर पार्ट यूज़ किया है वो भी दिखाते हैं हम। यहाँ पर जो देख रहे हो जो पंप लगा है वो रॉ वाटर पंप है, जो रॉ वाटर पंप है वो भी हमने लुबी कंपनी का लगाया है, ठीक है, वो बहुत ही ब्रांड नेम कंपनी है, ठीक है। फिर जो ये पाइप लगी है वो भी अच्छी कंपनी की ही पाइप हम यूज़ करते हो, ज़्यादातर फिनोलक्स है या एस्ट्रल है या प्रिंस कंपनी की हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और ये आपके सामने जो वेसल दिख रही है वो वेसल भी हमने स्टारलाइट कंपनी की यूज़ की है, जो भी बाहर की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, ज़्यादातर बाहर से ही एक्सपोर्ट होती है। उसके अलावा यहाँ पे हमने वाल लगाया है, वो वाल भी आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की यूज़ किया है हमने, जो जिसका अलग अलग फंक्शन है वाल का वही हमने वाल यूज़ किया है इसमें। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक पैनल दिख रहा है, तो ये पैनल जो है उसके अंदर यहाँ पे पूरा डिजिटली फंक्शन ऑपरेट होता है कि भाई प्लांट कैसे ऑपरेट करना है, उसमें बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, वो फंक्शन भी आप यूज़ करके आपको आरओ प्लांट को बहुत ही इजीली आप यूज़ कर पाओगे। और उसके अलावा यहाँ पे एक आपको फ्लो मीटर दिया गया है कि भाई आपको जो आरओ प्लांट में से कितना पानी फिल्टर होकर बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसका यहाँ पर फ्लो दिखाएगा कि आपको एक घंटे के अंदर कितना लीटर पानी आरओ होके बाहर निकल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा एक फ्लो मीटर दिया है, वो दूसरा फ्लो मीटर है जो वेस्टेज पानी कितना बाहर निकल रहा है, क्योंकि मेन चीज़ ये भी होती है कि आपको फिल्टर पानी कितना होता है उसके साथ साथ वेस्टेज वाटर भी कितना निकलता है, तो वो वेस्टेज वाटर यहाँ से आपको शो करता है। उसके अलावा दोनों का एक एक प्रेशर है कि भाई ये कितने प्रेशर पर अभी चल रहा है प्लांट। उसके अलावा भी इस पैनल बॉक्स के अंदर बहुत सारे फंक्शन भी हमने दिए है। उसके बाद यहाँ पे हाई प्रेशर पंप आता है, तो फ्रेंड्स ये मैं दिखा देता हूँ कि जो हाई प्रेशर पंप है वो भी हमने इंडिया की नंबर वन कंपनी है लुबी जिसका ही लगाया है, ये वो भी स्टेनलेस स्टील की बॉडी में ही है। तो जैसे करके आपको कस्टमर को इन फ्यूचर मशीन लेने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि जो भी पार्ट्स यूज़ किए हैं वो हमने बहुत ही अच्छी कंपनी के यूज़ किए हैं, तो उसकी लाइफ भी मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर भी पाइप लगी है, वो भी स्टैंडर्ड कंपनी की है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा लुबी कंपनी का पंप लगा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है लुबी ब्रांड, तो ये लुबी ब्रांड का ही पूरा स्टेनलेस स्टील में यूज़ करके हमने लगाया है। उसके बाद ये हाउसिंग आता है, ये हाउसिंग क्या काम करता है, हाउसिंग होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन लोड किया जाता है, तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन हम लोगों ने यूज़ की है वो डाउ कंपनी की मेम्ब्रेन यूज़ की है और उसका हाउसिंग भी बहुत ही ब्रांड नेम कंपनी का यूज़ किया है। और देखो यहाँ पीछे भी हमने जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो स्टेनलेस स्टील में ही यूज़ किया है, जैसे आपको जंग लगने का वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर वाल लगा है वो भी आपको दिखा दे, प्रिंस कंपनी का हम लोगों ने वाल यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो कि पूरा प्लांट
आगे से और पीछे से दोनों साइड से, दोनों साइड से हमने बहुत ही अच्छी कंपनी का स्पेयर पार्ट यूज़ किया है और स्टेनलेस स्टील में बनाया है। फिर आता है ये डोजिंग पंप है, तो वो डोजिंग पंप भी हमने इन्फिनिटी कंपनी का यूज़ किया है, वो भी नंबर वन कंपनी का है। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको पानी की बोतल फिलअप करना है या पानी की बोतल के अलावा आपको 20 लीटर का जार भरना है, तो इस टाइप का या बोटलिंग प्लांट है आपके पास और आप आरओ प्लांट खुद का लगाना चाहते हो, तो उस टाइप का आरओ प्लांट लगाना है, ठीक है, तो आप हमारे पास से इस टाइप का आरओ प्लांट मिल जाएगा आपको। हमारे पास 250 लीटर से लेके 500 लीटर का है, 1000 लीटर का भी आरओ प्लांट है। उसके अलावा भी एक यहाँ पे दिख रहा है 1000 लीटर का आरओ प्लांट अभी रेडी हो रहा है, वो भी हमारे एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको 1000 लीटर का आरओ प्लांट की रिक्वायरमेंट थी, तो उस हिसाब से हमने ये रेडी कर रहे हैं। तो उसका भी आपको डिटेल अगर चाहिए या कुछ भी इस टाइप का आरओ प्लांट की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट किस तरफ से करना है आपको, तो वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर दिया है 9428045911, और ये है हमारी दादा सोडा फाउंटेन करके हमारी यूट्यूब चैनल, इसमें भी जाके आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।